उद्घाटन भाषण के लिए इंदिरा चौधरी जी को आमंत्रित कर रही हूँ। प्रोफेसर कट्टेमणि ने पहले ही एक बात बता दी कि एक बहुत बड़ी समस्या है, इशू है कि दक्षिणी अपने आप में स्वतंत्र भाषा है या वो दक्षिणी हिंदी हिंदी के साथ जुड़ी हुई है या दक्षिणी उर्दू उर्दू के साथ जुड़ी हुई है। मैं इसी मुद्दे पर अपनी बात कहकर इस संगोष्ठी का उद्घाटन करना चाहूंगा। सबसे पहले प्रोफेसर कट्टेमणि को बधाई देना चाहता हूं कि हिंदी विभाग की ओर से उन्होंने दक्षिणी हिंदी पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया। क्या इसका ये अर्थ है कि हिंदी दक्षिणी को एप्रोप्रिएट कर रही है, समायोजित कर रही है? नेचुरली ये सवाल उठेगा। उर्दू डिपार्टमेंट अगर करता तो लोग ये कहते एप्रोप्रिएट कर रही है, ये सब ग्लोबल प्लेयर्स हैं, इनका काम है एप्रोप्रिएशन सारी चीज़ों का और एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। दरअसल ये सवाल तब उठता है जब हम जो भारत का जो आंतरिक इथॉस है उससे जब हम अपरिचित रहते हैं तब ये सवाल उठता है। भारत का इथॉस क्या है, भारत की दृष्टि क्या है, वो हर चीजों को किस ढंग से देखती है? क्या वो एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर करके एक भाषा एक जुबान एक धर्म की बात कहती है, कहता है? ये सवाल है। भारत ने ये कभी नहीं किया। भारत की जो बुनियादी सच्चाई है वो है प्लूरैलिटी, विविधता, डाइवर्सिटी। मुझे यहां पर यू आर अनंत मूर्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल की याद आ रही है। यू आर अनंत मूर्ति जो कन्नड़ के प्रसिद्ध और सारे संसार में प्रसिद्ध एक ऐसे लेखक हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी की बात करते हैं तब हमें एक यूनिटी नजर आती है, मगर जब हम यूनिटी और यूनिटी की बात करते रहते हैं तो डाइवर्सिटी के सिवाय हमें यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। हिंदुस्तान को समझने के लिए इस मॉडल को हमें अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ये मॉडल यूरोपियन मॉडल से बिल्कुल अलग है। यूरोप हमेशा हर चीज को एज बाइनरी ऑपोजिशन देखता है, एक दूसरे के मुठभेड़ के रूप में देखता है। उर्दू और हिंदी का सवाल यूरोपियन और अंग्रेजों ने हमारे सामने पैदा किया। उन्होंने हमेशा उर्दू और हिंदी को अलग अलग करके देखने की कोशिश की। इसका यह मतलब नहीं कि ये एक है। इसको समझने के लिए जो मॉडल हिंदुस्तान ने हमें दिया है वो मॉडल है यूनिटी डाइवर्सिटी कॉम्प्लीमेंटरी सेट ऑफ ऑपोजिशन। एक तरफ यूनिटी भी है, दूसरी तरफ डाइवर्सिटी भी है, और दोनों में एक तरह की कॉम्प्लीमेंटारीनेस है, दोनों में एक तरह की संपूरकता है, और ये सेट ऑफ ऑपोजिशन है, एक दूसरे के अपोज में है। अब आप सोचिए, ये बाइनरी ऑपोजिशन नहीं है। बाइनरी ऑपोजिशन में अगर आप विश्वास करते हैं तो आप जो है हंटिंगटन को भी आपको विश्वास करना पड़ेगा, जिसने कहा था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। इस देश ने कभी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात नहीं की, वो जानता ही नहीं है ये देश कि सिविलाइजेशन में क्लैश होता कैसे है। सिविलाइजेशन एक दूसरे के विकल्प के रूप में मौजूद रहते हैं, अल्टरनेटिव्स। ये देश हमेशा हर चीज को अल्टरनेटिव के रूप में स्वीकार करता है। हिंदी है, उर्दू है, दक्षिणी है, सारी भाषाएं अल्टरनेटिव्स हैं, मगर इन अल्टरनेटिव्स के भीतर इकट्ठे बात करने की भी गुंजाइश है, क्योंकि इनके भीतर कहीं ना कहीं कुछ यूनिटी का मसला हमें दिखाई पड़ जाता है। और ये बात जो है हमारे दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा।
अगर आप दक्षिणी हिंदी की बात कर रहे हैं या दक्षिणी उर्दू की बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हिंदी डिपार्टमेंट जो है उसको समायोजित कर रहा है, उसको एप्रोप्रिएट किया कर रहा है, या पिछले हम 150 वर्षों से उसको एप्रोप्रिएट किए हुए हैं। नहीं, हम उसको एक विकल्प के रूप में देखते हैं। हिंदी भाषा का पूरा जो है प्रकृति देख लीजिए। हिंदी भाषा की प्रकृति क्या है? क्या हिंदी भाषा को आप एक भाषा कह सकते? नहीं कह सकते आप। हिंदी भाषा बहुत सारी भाषाओं का समाहार है, एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट के समान है, जिस अम्ब्रेला के नीचे सारी भाषाएं रची बची हुई बसी हुई है, और इन सब भाषाओं को लेकर हिंदी हिंदी है। इसमें से किसी एक भाषा के अस्तित्व को हिंदी बिगाड़ नहीं रही है। अगर आप सोचे कि हिंदी बिगाड़ रही है अवधि के अस्तित्व को, ब्रज के अस्तित्व को, मालवी के अस्तित्व को, बुंदेलखंडी के अस्तित्व को, नहीं कर रही है हिंदी। हिंदी इन सबको लेकर जीती है। हिंदी का ये जो समाहार पूर्ण रूप है, उसको अगर यदि आप ध्यान में रखें, तो वहां पर दक्षिणी को साथ में लेकर बात करने में कहीं कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि दक्षिणी का अलग अस्तित्व नहीं है, है, मगर वो हर भाषाओं के साथ इकट्ठे यहां पर मौजूद है। इस बात को जो है आप नजरअंदाज मेहरबानी करके मत करिएगा। अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो इंडियन इथॉस को आप समझ नहीं पाएंगे। इंडियन इथॉस जो है इस बात को बहुत बहुत महत्व देता है, क्योंकि अल्टरनेटिव्स को भारतीय इथॉस महत्व देता है, विकल्पों को भारतीय इतिहास महत्व देता है, भारतीय इतिहास प्लुरैलिटी को महत्व देता है, प्लुरैलिटी के साथ हम जीते हैं। मैं हिंदी की बात अगर थोड़ी सी और कहूँ इस चीज़ को समझाने के लिए, तो ये बात और भी अधिक स्पष्ट हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। लैंग्वेज ऑफ पावर की बात लेते हैं। कौन कौन से लैंग्वेजेस इस देश में पावर की भाषा बनी थी? तीन। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद फारसी, उसके बाद अंग्रेजी। हिंदी पिछले 60 वर्षों में कभी लैंग्वेज ऑफ पावर नहीं बनी, कभी नहीं बनी, क्योंकि हिंदी की प्रकृति में वो है ही नहीं कि वो पावर की भाषा बने, क्योंकि हिंदी जो है वो सबको जोड़कर चलती है, सबको लेकर चलती है, वो शक्ति की भाषा नहीं बनी कभी। इसलिए हिंदी ने कभी अपने को कैनोनाइज नहीं किया। अगर आप शक्ति की भाषा बनना चाहते हैं, प्रभुत्व की भाषा बनना चाहते हैं, तो उसके पीछे आपके पास प्रभु ऑथोरिटी होनी चाहिए, एक, और कैनन्स होने चाहिए। मगर हिंदी ने कभी अपनी ऑथोरिटी शो नहीं की, हिंदी ने कभी अपने को कैनोनाइज नहीं किया। 1921 में, और उसके बाद आप देखिए किशोरीदास वाजपेयी ने 1958 में, उसके बाद छिटपुट छिटपुट काम होते रहे, मगर बृहत आकार में कोई व्याकरण लिखा नहीं गया, क्योंकि कैनोनाइज नहीं करना चाहता है हिंदी। हिंदी कभी, इसलिए हिंदी हरेक की भाषा बन जाती है। हिंदी में टपोरी के जुड़ने में कोई असुविधा किसी को होती नहीं है। अब नवभारत टाइम्स जो राष्ट्रीय समाचार पत्र है हिंदी, उसमें एक कॉलम टपोरी का भी आना शुरू हो चुका है। ये हिंदी की गरिमा है कि हिंदी सबको लेकर चलती है, ये जन की भाषा है। अब सवाल हिंदी हिंदुस्तानी का आया था, 1935 में आया था, और 1935 में नागपुर में 24 अप्रैल 1936 में भारतीय साहित्य परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला करना था कि हिंदी या हिंदुस्तानी, इसमें से कौन से को स्वीकार किया जाएगा। इससे पहले आप याद रखिए 1917 में महात्मा गांधी भड़ौच में कह चुके हैं कि हिंदुस्तानी इस देश की राष्ट्रभाषा बनेगी, हिंदुस्तानी, क्योंकि उस भारतीय इथॉस से वो परिचित थे, वो जानते थे कि प्लूरैलिटी का ये देश हमेशा प्लूरैलिटी को महत्व देता है। उस सभा में प्रेमचंद भी मौजूद थे। उस सभा में जब ये बहस शुरू हुई कि हिंदी या हिंदुस्तानी होगा, तो प्रस्ताव में जब वोटिंग हुई तो 25-15 में हिंदी जीत गई, हिंदुस्तानी खारिज हो गई। वो देश का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। प्रेमचंद जी चुप बैठे रहे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, और उर्दू वाले खफा हो गए, और हिंदुस्तानी का जो मसला है वो हमेशा के लिए वहां पर सील्ड हो गया। ये बात हिंदी के एक मूर्धन्य विद्वान
जिन्होंने हिंदी और संस्कृति हर एक को लेकर जिन्होंने हमेशा काम किया, ऐसे विद्यानिवास मिश्र ने 1997 में एक वक्तव्य में ये कहा था कि यदि देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदुस्तानी को भारत स्वीकार कर लेता तो भाषा की समस्या हमेशा के लिए सुलझ जाती। ये इस देश की बुनियादी बात है कि हम प्लूरालिटी में विश्वास करते हैं। अगर मैं आज ये कहूं कि इस देश में 3, 4, 5, 6 भाषाएं रहेंगी, लोग आपत्ति नहीं करेंगे, कहे ठीक है। फिर किसी दिन अगर ये डिक्लेरेशन हो जाए कि 3 भाषाएं, तो लोग थोड़े से चिंतित हो जाएंगे, फिर भी कहेंगे ठीक है। और अगर डिक्लेरेशन हो 2 भाषाओं का, तो लोगों के मन में शक पैदा हो जाएगा कि माजरा क्या है। और अगर डिक्लेरेशन हो कि इस देश में सिर्फ 1 भाषा होगी, विश्वास कीजिए ये देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ये क्यों ये ऐसी विचारधारा हमारे अंदर की क्यों है? ये इसलिए है कि ये देश हमारे अंदर ये बात बैठी हुई है कि इस देश को अगर समझना है तो प्लूरालिटी में समझना होगा। इसलिए दक्षिणी हिंदी है, हिंदी है, उर्दू है, हिंदुस्तानी है, इन सब को लेकर समानांतर पैरेलल नहीं विकल्प के रूप में इन सब भाषाओं को लेकर हम जीते हैं। दक्षिणी की बात होगी, निश्चित रूप से होगी, मगर कोई डॉक्टर दिलीप सिंह कोई ये नहीं कह रहा है कि हिंदी ने दक्षिणी को अप्रोप्रिएट कर लिया, नहीं किया। उर्दू ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया अप्रोप्रिएट, विकल्प के रूप में उसको स्वीकृति दी गई है। विकल्प के रूप में मैं हिंदी साहित्य पढ़ाते हुए समाज विज्ञान को हिंदी में स्थान दे देता हूँ, मैं विज्ञान को हिंदी में स्थान दे देता हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि मैं अप्रोप्रिएट कर रहा हूँ, उसको समायोजित कर रहा हूँ। ये बात हमारे दिमाग में बैठानी पड़ेगी। इस बात को बैठाएंगे तो निश्चित रखें, ये मेरी बात नहीं है, इस देश की जमीन की बात है। ये देश की जमीन हमेशा विकल्पों में देश को देखता है, ऑल्टरनेटिव्स के रूप में देश को देखता है। अगर इस बात को हमने समझ लिया तो हम समझ पाएंगे कि हिंदी के साथ दक्षिणी हिंदी का या दक्षिणी उर्दू का क्या योग है। मत भूलिए कि पिछले 1000 वर्षों से हिंदी जो है इस देश की जो है लिंक लैंग्वेज रही है। 1000 वर्षों से मुगलों के फरमान, शायद पांचाल जी ने या किसी एक ने किताब लिखी थी जिसमें मुगलों के फरमान जो है प्रकाशित किए गए थे, जिसका 70% जो भाषा है वो भाषा हिंदी की भाषा हिंदी है, जिसको हम हिंदी कहते हैं। मगर हिंदी का कोई स्टैंडर्डाइज एक रूप है निश्चित रूप से, मगर जैसे मैंने कहा कैनोनाइज करने की हिंदी ने कभी कोशिश नहीं की अपने को। ये जो हिंदी का रूप है लिंक लैंग्वेज के रूप में, और जो सबसे बड़ी बात हिंदी के है कि हिंदी जो थी वो लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्डरिंग की भाषा थी, वो रिकॉर्ड करती गई सारी चीज़ों को। 1947 से पहले मैक्सिमम नंबर जो अनुवाद का हुआ विभिन्न भारतीय भाषाओं से वो हिंदी में हुआ। तब हिंदी को अनुदान नहीं मिलता था, हिंदी स्वइच्छा से ये काम करती रही। इस बात को आप मत भूलिए, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्डरिंग, ये रिकॉर्ड करती रही है, और रिकॉर्ड करते हुए यदि स्थान देती है दक्षिणी को, तो इसलिए स्थान नहीं दे रही है कि दक्षिणी के अस्तित्व को वो मिटाना चाहती है, दक्षिणी भी रहे अपने साथ इस बात को प्रमाणित करना चाहती है। धन्यवाद।